brought to you by Techno Camon 30 series. मैं अगर जेल में इन्होंने रखा तो जेल से चुनाव अगर मैं लड़ूंगा 70 की 70 सीट आएंगी, जनता उसका जवाब देगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे कई मंत्रियों को जेल में डाल देंगे, विधायकों को। आप 70 के 70 विधायकों को जेल में डाल दो और चुनाव करा के देख लो। दिल्ली जेल में थे मुख्यमंत्री जी उस वक्त, जो आपकी वाइफ थी सुनीता केजरीवाल, वो एक लिंक बनी आप में और आपके जो बाहर जनता है, जनता मतलब अरविंद केजरीवाल की, मान लीजिए आवाज सुनीता केजरीवाल थी, जमकर उन्होंने कैंपेन किया। इसमें बीजेपी ने बोला है, देखिए अरविंद केजरीवाल ने करप्शन पे तो बोलना छोड़ ही दिया है, पर उन्होंने ऐसी पार्टीज को रोल मॉडल बना लिया है जो करप्शन में लिप्त हैं। उन्होंने एग्जाम्पल दिया लालू प्रसाद का, यादव का, जिनके साथ आप खड़े हुए हैं इस चुनाव में, और कि आप उन्हीं को एम्यूलेट कर रहे हैं और जो राबड़ी देवी मॉडल है वो आप अपना रहे हैं। नहीं, सुनीता मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतना अच्छा लाइफ पार्टनर दिया और मेरे जैसे सन की हस्बैंड को उसने पूरी जिंदगी बर्दाश्त किया। नहीं तो मैं जब इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था तो एक दिन मैं अचानक इस्तीफा दे के आ गया और घर आके मैंने बताया कि मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं अब दिल्ली की झुग्गियों में जाके काम करूंगा। आप सोच के देखो वाइफ पे क्या गुजरेगी, उसे डिस्कस करके नहीं गया था मैं, वाइफ तो पागल हो जाएगी बिल्कुल। लेकिन उसने मेरा साथ दिया, उन दिनों में भी साथ दिया। तब तो मेरे कोई राजनीति में नहीं था, कोई चुनाव नहीं लड़ता था, कोई फ्यूचर ही नहीं था। दिल्ली की झुग्गियों में मैंने 10 साल काम किया, 1 नहीं 2 नहीं 10 साल काम किया, पर उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरा तो पैशन था, उनका तो नहीं था। फिर जब अभी मैं जेल गया तो उन्होंने इस इमरजेंसी पीरियड में मेरे और जनता के बीच में एक लिंक का काम किया। उनका एक्टिव राजनीति में पार्टिसिपेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ना चाहती हैं। एक फॉलो अप क्वेश्चन करूंगी, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हैं, 7 महीने बाद दिल्ली चुनाव होगा, उसमें हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल जी अरविंद केजरीवाल जी की जगह नई दिल्ली लड़ लें? नहीं, नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, चाहे आप जेल में भी। मैं अगर जेल में इन्होंने रखा तो जेल से चुनाव अगर मैं लड़ूंगा 70 की 70 सीट आएंगे, जनता उसका जवाब देगी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे कई मंत्रियों को जेल में डाल देंगे, विधायकों को। आप 70 के 70 विधायकों को जेल में डाल दो और चुनाव करा के देख लो दिल्ली में। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है? जनता देख नहीं रही हो क्या रहा है?